नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। चीन में केमिकल प्लांट में विस्फोट, मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हुई। इराक में टिक्सी नदी में नौका डूबने से 94 लोगों की मौत। लोकसभा चुनाव फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर होंगे कांग्रेस प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। चीन में एक रासायनिक संयंत्र में शक्तिशाली विस्फोट में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर शुक्रवार को 47 हो गई। राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने खोज एवं बचाव अभियान चलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा। जियांगसुई काउंटी के सरकार के अनुसार जियांगसुई प्रांत के संयोगचर में एक रासायनिक औद्योगिक पार्क में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बृहस्पतिवार को आग लगने के बाद धमाका हुआ। उसमें 47 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग गंभीर रूप से घायल है। राष्ट्रपति और चीन की कम्युनिटी पार्टी के महासचिव शी ने खोज एवं बचाव अभियान चलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा। इराक में मोसुल शहर के करीब टिक्सिर नदी के एक नौका डूबने से कम 94 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अधिकतर महिलाएं एवं बच्चे हैं। नौका में क्षमता से अधिक लोग सवार थे और वे कुर्द नववर्ष मना रहे थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इराक के प्रधानमंत्री अदेल अब्देल महदी ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए शीघ्र जांच करने का आदेश दिया है। फतेहपुर सीकरी सीट पर VIP श्रेणी में हो सकती है कांग्रेस ने सीनियर अभिनेता और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को टिकट देने का मन बना लिया है। बस उनके नाम की घोषणा होना बाकी है। यहां से बब्बर कांग्रेस के टिकट दूसरी बार लड़ेंगे। वर्ष 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने राज बब्बर को फतेहपुर सीकरी से टिकट दी थी। उन्होंने यहां से चुनाव लड़कर लगभग 2 लाख मत प्राप्त किए थे। वह बसपा प्रत्याशी से लगभग 10,000 मतों के अंदर से चुनाव हार गए थे। उसके बाद वह फिरोजाबाद में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़े और सपा की डिंपल यादव को हरा कर सांसद बने। इस बार उन्होंने पार्टी हाईकमान से पहले फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। पार्टी चुनाव लड़ने का दबाव डालने लगी। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।